अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह का टाइम था और यहाँ पे पराठे बन रहे थे। हमारे घर नाश्ते में ब्रेड ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे ब्रेड अंडा लें या सैंडविच लें, लेकिन पराठे बहुत कम बनते हैं। पराठे से वैसे भी वेट गेन होता है, तो इसलिए सब अवॉइड ही करते हैं। बर्तन वॉश किए हुए पड़े थे तो मैंने कहा चलो वो रख देती हूँ। ये वो बर्तन हैं जो हम नॉर्मल डेली यूज़ करते हैं। यहाँ पे मामा दोपहर के खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आज मामा आलू चिकन शोरबा बना रही थी। आलू चिकन शोरबा मुझे बहुत पसंद है और अली को भी बहुत पसंद है। बाकी सब भी घर में शौक से खाते हैं तंदूर की रोटी के साथ। सबसे पहले चिकन को फ्राई किया और चिकन को फ्राई करने के बाद उसके अंदर प्याज और अदरक लहसुन ऐड कर दिए। उसके बाद इसमें टमाटर ऐड किए। हैंड बीटर से इन सबको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। देन इसमें अपना फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। उसके बाद इसमें सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं। दो दिन से मूसा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा जिद करता है। हार्ड टाइम वो रोता रहता है। मूसा का गला खराब है, उसकी वजह से उसको फीवर हो रहा है और वो कुछ खा पी भी नहीं रहा आजकल। मैं उसको टीवी लॉन से बाहर लेकर आई थी। मैंने कहा चलो उसके साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आजकल कोई भी काम नहीं करने देता। बस कहता है कि हर टाइम मुझे उठा ही रखें और मैं उसके साथ ही रहूँ। नीचे बॉल, चलो बॉल निकाल दी मुझे। क्या हुआ? ओ, हाथ पे मिट्टी लग गई। चलो हम वॉश करते हैं इसको, ठीक है? बाहर जाना है? मूसा ये क्या कर रहे हो? गंदा बच्चा। मूसा को गंदे हाथ बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर उसके हाथ पे थोड़ी सी मिट्टी सालन कुछ भी लग जाए तो वो बहुत रोता है कि मेरे हाथ जो है ना वॉश करवा दो, और अगर वॉश हम ना करवाएं तो वो किसी भी चीज़ से हाथ साफ कर लेता है। मैं अपने रूम में आई थी और बाजी से अपना रूम जो है वो क्लीन करवा रही थी। मैं जब भी अपना रूम क्लीन करवाती हूँ तो मैं पास खड़े होकर ही करवाती हूँ, वरना मैं सेटिस्फाइड नहीं होती सफाई से। तो यहाँ पे बाकी रूम्स की भी बेडशीट चेंज हो रही थी। जहाँ भी कोई ज़रूरी काम हो रहा होता है मूसा वहाँ पे ज़रूर खड़ा होता है उस काम को ख़राब करने के लिए। मैं यहाँ पे सैलेड बनाने लगी थी। Thank you.
यहाँ पे मुसा अपने चाचू के साथ लगा हुआ था। इसको बहुत शौक है हेलमेट पहनने का। जब भी किसी बड़े को पहना देखता है तो ये कहता है कि मुझे भी पहनना है, और बाइक पे बैठ जाता है और बस जिद करता है कि मुझे हेलमेट पहना दो। यहाँ पे उसके चाचू उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसा को मैंने फ्रेश कर दिया था और वो सो गया था। उसके बाद फिर मैंने कहा जो मेरे काम है वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। थोड़ी सी लॉन्ड्री करने वाली थी तो मैं वो कर रही थी। अली के कुछ कपड़े पड़े थे समेटने वाले तो मैंने कहा बच्चे सो रहे हैं तो जल्दी से वो समेट लेती हूँ। अभी मैंने लाइट चलाई है तो मूसा फिर से उठ गया। फाइनली मैंने कपड़े समेट ही लिए। उसके बाद मैं मूसा को लेके नीचे आई। शाम का टाइम था। मूसा शाम को डेली पापा के साथ बाहर जाता है तो मैंने कहा पापा को मूसा पकड़ा के आती हूँ। मूसा वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बस कहता है कि कोई काम ना करो, बस मुझे उठा ही रखो। मूसा पापा के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच है तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। मूसा काफ़ी छोटा था जब से वो पापा के साथ डेली शाम को बाहर जाता था, तो उसको अभी भी वही आदत है कि उसने डेली इवनिंग में जो है बाहर जाना होता है पापा के साथ, वरना वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है। मूसा के चाचू आज उसके लिए काफी बड़ा टेडी बियर लेकर आए थे। मूसा उसको देख के खुश भी हो रहा था और डर भी रहा था क्योंकि वो काफी बड़ा था। कितना प्यारा है, वाह अबू बकर। मूसा वो देखो चाचू, मूसा वो देखो। बहुत प्यारा टेडी बियर था। मुझे तो खुद टेडी बियर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। उसके बाद मैं, अली और मूसा बाहर गए। अली कह रहे थे कि मूसा की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको लेके प्ले लैंड या कहीं बाहर जाते हैं ताकि इसका जो माइंड है वो थोड़ा फ्रेश हो। सबसे पहले हम लोग लाइटपुर गैलरिया गए थे और उसका व्लॉग मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी। उसके बाद हम लोग डी ग्राउंड वाली साइड पे आ गए और वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाया पिया। आज का व्लॉग बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।